कोरस में गाने वाले है। कैसा समय है, लोग मुझसे कहते हैं क्यों इतना कड़वा बोलते हो। स्वर ले ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। पद्म विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। आखिरी पंक्ति इस कविता की और दोनों हाथ उड़ाकर तालियों से मुझे समर्थन देना, निवेदन करता हूं। आज के समारोह की अंतिम पंक्ति देता हूं। एक बात कह दूंगा आपके सामने, हमारा कोई तीन लोगों का योगदान नहीं है। मुंबई में 300 करोड़ रुपए की फिल्म बनती है, 300 लोग 300 दिन शूटिंग करते हैं, और जब रिलीज होती है तो आप उसका लाल सिंह चड्ढा बना देते हैं। हम तीन लोग आए थे, कोई हमारे पास नाच गाने का सामान नहीं था, केवल शब्द था। 3 घंटे से ज्यादा समय हो गया, हजारों लोग बैठे हुए, ये हिंदी का चमत्कार है। कवि सम्मेलन कितनी देर चला ये मत सोचिए, कवि सम्मेलन कैसा चला ये सोचिए कि पद्म विभूषित हुए जा रहे। और जो जवान बच्चे बैठे हैं, बेटा आत्मबल बढ़ा रखो, शासक आते जाते रहते हैं, देश रहता है। आपके नेता ने हमें सिखाया, पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए कवि कुल मौली मणि पंडित जी ने कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। ये विषय है पाकिस्तान तुम्हारी देशभक्ति का। अगर सड़क पर थूकते हो, टैक्स की चोरी करते हो, टिकट नहीं लेते हो, लड़की को छेड़ते हो, प्रशासन की व्यवस्था में विघ्न डालते हो, तो वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाने का क्या अपने अधिकार है। सारा पौरुष पाकिस्तान पे निकलेगा, उसको तो आनंद में लो। हमारा चंद्रयान थोड़ा 1 सेंटीमीटर अलग उतर गया, ये पाकिस्तान के जितने बड़े लीडर है मुझसे उलझते हैं, पता नहीं इनसे क्यों नहीं उलझते। वहां टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने मुझे, सांसद जी, मैं दिन भर से लिख रहा था कि चंद्रयान जा रहा है, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, वो थोड़ा सा गलत उतर गया। वैज्ञानिक हुए, प्रधानमंत्री ने अभिभावक की तरह गले लगाकर उनका कंधा थपथपाया, जो कि एक बड़े घर के बड़े आदमी का कर्तव्य बनता है। सब लोग रोए, कितनी देर रहा वहां का टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उसने मेरे ट्विटर पे ऊपर लिखा, और भाई शायर आजम उतर गया।